तो एडिक्शन का सबसे बेसिक प्रिकर्सर यही है, जब आपको ये लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे या आपको वो चीज नहीं मिल रही, तो आप क्रिएट करते हैं एक हाई के लिए, और उस हाई को आप ढूंढते हैं या तो सोशल मीडिया में या तो किसी ड्रग्स में। ड्रग्स कितनी तरह के हैं या क्या क्या है और लोग कैसे ड्रग्स की तरफ जाते हैं, वो सारे हमारे काउंसलर्स ने यहाँ बताया। जो मैं फोकस करना चाहती हूँ वो है रिगार्डिंग कि अगर आपको कोई भी इंसान पता चलता है कि आपके, चाहे वो स्कूल में है या आपके वर्क ग्रुप में या पेयर ग्रुप में है, कि जो अलूप रह रहा है, तो उससे बात करनी। और इसको ये मत समझिए हम किसी के बारे में गलत चीजें फैला रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं। अगर उसको हेल्प दिलवानी है तो आपको उसको काउंसलर, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास हेल्पलाइंस है, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट सेंटर हमारे जीएमसी बारामूला में, जैसे आपको बताया हमने कि हर दिन ये ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट सेंटर जो है फंक्शन करता है, और हमारे हेल्पलाइंस हम फ्लैश भी करेंगे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो करें। आप हमें फोन पे भी हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं, और इसमें बच्चों को ये सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं होती कि हमें ये जो हम कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं और हमें हेल्प की जरूरत है। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको ये बताना चाहते हैं कि जितनी भी आपको हेल्प की जरूरत है उसके लिए हम हैं, और जहां भी आपको लगता है कि कोई ड्रग पेडलर है या कोई ऐसा ग्रुप है जो स्कूल के बाहर या किसी वेंडिंग मशीन पे या किसी ऐसे रहने वाला या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है, उसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसके लिए भी हम आपको वेलकम करते हैं एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल टेक ऑल स्टेप्स टू कम्बैट दिस डिजीज, ठीक है। तो इसलिए आज जो हम ये फंक्शन कर रहे हैं और इसका रिले पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, या हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये पहला फंक्शन होगा, और इसके बाद हम लगातार आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सारे वर्क प्लेसेस में, और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे जहाँ ऑफिस जहाँ भी है वहां पर हम उनको अपने रिसोर्स पर्सन को भी लेके जाएंगे अवेयरनेस के लिए कि आप लोग जो है किसी इस भ्रम में मत रहिए कि आपको कोई एक छोटा सा कुर्सी देकर किसी दूसरे वर्ल्ड में ले जाएगा। वो आपको कहाँ ले सकते हैं, वो आपको प्रिजन की तरफ ले सकते हैं, और इसमें इतनी सब पनिशमेंट है, इतनी सब पनिशमेंट है, जैसे हमारे रिसोर्स पर्सन जो लीगल से थे उन्होंने कहा कि बेल भी एज अ मैटर ऑफ राइट आपको नहीं मिल सकती, ये एक ऐसी क्राइम भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिजीज है और हम उसको मेडिकली ट्रीट करेंगे। आई विल रीएम्फसाइज कि ये एक ऐसा क्राइम है कि आप पकड़े गए तो इसमें इतनी सब पनिशमेंट है कि कितनी भी आप इसमें कोशिश कर लें इससे बाहर निकलने का फिर कोई जरिया नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें सोसाइटी एज ए सोसाइटी जो काम करना है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इन बच्चों को बदनाम भी ना करें लेकिन काउंसलिंग की तरफ लाएं, और इनको जैसे आज आपने सुबह एक डी एडिक्ट देखा जो एडिक्शन की तरफ गया था, और फिर उसने आपने कहानी नरेट की किस तरीके से उसने हेल्प ली और विद इन मंथ्स वो वापस आ गया। तो एक ऐसी स्टेज भी होती है जहां पर आपको अगर हेल्प मिले, टाइमली हेल्प मिले, तो आप वापस आ सकते हैं और रिलैप्स के चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए हमें अपने ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करना है, अपने स्कूल्स में आइडेंटिफाई करना है ऐसे लोगों को जिनको हेल्प की जरूरत है, और उनको हम एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको हम जरूर हेल्प देंगे। अपनी मैं जो स्पीच है वो खत्म करती हूँ, बस अपने सारे जो बच्चे बच्चियां हमें देख रहे हैं उनको ये तरगीब देते हुए कि मेहनत की आदत डालिए, फेलियर से ना डरिए, और ये समझिए कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज आप हमें देख रहे हैं ना कि ये इस तरह से आ रहे हैं और इनकी यहाँ पे स्टेजेस पे बोल रहे हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत है, ठीक है। जो आप इंस्टेंट सक्सेस देखते हैं सोशल मीडिया पे, नथिंग इज इंस्टेंट, नथिंग इज ओवरनाइट, उसके पीछे बहुत बहुत मेहनत, लगन, डेडिकेशन की जरूरत होती है। वो सब आप लोगों में अगर आएगी तो आप भी हर चीज अचीव कर सकते हैं। मिटा दें अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना हाथ में मिलकर गुलों गुलजार हो।